विभाग के सर्वे और जांच में फ्लोरोसिस के लक्षण पाए गए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग ने जामपारा में लगे ट्यूबवेल के पानी को जांच के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को भेज दिया है। साथ ही जामपारा के लोगों को उस पानी का सेवन न करने की सख्त हिदायत दी है। जामपारा मोहल्ले के लोग पिछले 10 सालों से इस ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। अगर रिपोर्ट में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई तो उस जल स्रोत को बंद कर दिया जाएगा और दंत चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। हाँ, ये अभी हमारी जो एपिडेमियोलॉजी की टीम है वो उनके द्वारा वहाँ सर्वे किया गया था, तो कुछ बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस का केस देखा गया है। ये डेंटल फ्लोरोसिस ऐसा रहता है, इसमें दांत में पीलापन आना और दांतें थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं, तो वो जनरली पानी में फ्लोराइड बढ़ने के कारण ऐसा होता है। इसके लिए हमारे टीम द्वारा पानी का सैंपल लिया गया है और पीएचई विभाग को जांच के लिए दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही यदि अगर उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा तो अपन उस स्रोत को बंद करेंगे और आगे फिर एक बार सर्वे करके वहाँ वृहद रूप से डेंटल कैंप करेंगे ताकि उनके दांतों को बचा सके। ये बात आपके माध्यम से ही मुझे पता चली है, इसके विषय में हमारी टीम द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी। इसकी भी जांच अपन करा लेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में बता पाऊँगा। अब पानी का नुकसान बताते हैं। पानी से कमर पर दर्द करता है, कमज़ोर बना देता है, कन्या कमर डूबने लगता है इस पानी से, या फिर कोई भी अगर सभी लोग का हो रहा है। अरे अभी 10 साल वहाँ जा रहा सर धीरे धीरे, अरे तब पता तो अभी चल रहा है कि पहले तो भाई कन्या कमर पर दर्द करते रहता कैसे था। पता चला आप लोग? अरे नहीं चेक कर, तब पता चला कि अब सभी का दुख रहा था। फिर अरे ही डॉक्टर लोग आए रहे थे, अभी आज भी आए थे, कल परसों भी आए थे। मना किए हैं कि इस पानी को मत पिए, दूसरे जगह पानी पिए, कुएं का पानी।